चलिए शुरू करते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो, जो कि हम यूजर इनपुट, हमारा इनपुट ये रहेगा कि हम यूजर से एज पूछेंगे, और हमारा आउटपुट हम एलिजिबल टू वोट और नॉट हम ये बोलेंगे। ठीक है, हमारा इनपुट क्या रहेगा, यूजर से एज पूछेंगे, आउटपुट क्या रहेगा, मैं एलिजिबल टू वोट और नॉट। चलिए चलिए अब क्या करते हैं, कोड लिखते हैं हम। हमारा ये सिंटैक्स है, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन और कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमारा सिंटैक्स है। पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे इंट एच, एच कॉमा, और फिर क्या करेंगे, प्रिंटफ क्या बोलना है, पहले क्या करना है, यूजर से एज करना है, तो हम क्या बोलेंगे, एंटर यूअर एज बोलेंगे। ओके, स्लैश इन क्यों लेते हैं, हम नेक्स्ट लाइन के लिए लेते हैं। ठीक है, अब स्कैनफ बोलेंगे, स्कैनफ इसीलिए बोलेंगे कि हम स्कैन करके, हम यूजर से अगर वैल्यू लेते हैं तो हमको स्कैनफ कंपल्सरी लेना है, तो स्कैनफ एंड एज, ये हम स्कैनफ कैसा लिखते हैं मैंने अपने ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में सी लैंग्वेज के बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं पूरा स्कैनफ प्रिंटफ कैसे लिखते हैं वो है। तो स्कैनफ एंड वेरिएबल नेम है ये हमारा। फिर नेक्स्ट अब क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, इफ कंडीशन देते हैं, इफ अगर एज 18 से बढ़ के रही तो हम आपको, हमको ये प्रिंट करना है, हमको ये करना है कि हम ये बोलेंगे प्रिंटफ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग हम बोलेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग बोलेंगे। ओके, स्लैश इन कॉमा एच। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल्स, एल्स क्यों लिख रहे हैं हम, एल्स इसीलिए लिख रहे हैं कि हमको यूजर से क्या करना है, एल्स अगर अगर उन्हें 18 से कम रहा तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंटफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग बोलेंगे। ठीक है, स्लैश एंड कॉमा एच, दैट्स इट। ये हम सेव क्या करें, बस इतना ही कोड है, हम जस्ट इनिशियलाइज करें, यूजर से एंटर एज करेंगे, अगर यूजर का एज 18 से बढ़कर है तो क्या प्रिंट करेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स क्या करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग करेगा, दैट्स इट, ये हमारा यहाँ पर तक का कोड। चलिए रन करके देखते हैं, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या पूछ रहा, एंटर योर एज बोल, तो मैं क्या करूंगा, माय एज इज, मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा मेरी एज 10 है, तो मैं क्या बोलना उन्हें, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। चलिए रन करके देखते हैं, सो एंटर योर एज, मैं बोल रहा हूँ मेरी एज 10 है, सो मैं 10 बोल रहा हूँ, सो ने क्या बोला, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर से रन करके देखते हैं कोड को, मैं बोलूंगा 25, माई एज इज 25 बोलूंगा, तो क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो बहुत इजी है, यहाँ पर हम सिर्फ इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज दे रहे हैं, यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं कि भाई अगर ये जो इनिशियलाइजेशन जो एज आती है यूजर से, उसको अगर एज देंगे कि वो करेंगे कि एज अगर बढ़ के रही 18 से तो क्या करना उन्हें, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, वरना एल्स बोलेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। बहुत आसान है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और प्रिंट दे रहे हैं। ठीक है।